सभी स्टूडेंट को मैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट के लिए महिला पर्यवेक्षक के जो है 3,000 पोस्ट जो है निकल कर आ रहा है। जी हाँ, तो जो भी स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, सक्सेस भी आपको उतना ही मिल पाएगा, कामयाबी मिल पाएगा। तो जो भी लड़कियाँ हैं, आप सभी स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, कई साल से आप जो है मेहनत करते हैं, लेकिन आपको कामयाबी जो है नहीं मिल पाता, सक्सेस जो है आपको नहीं मिल पाता। वहीं काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक टाइम के बाद वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, और डिमोटिवेट होना स्वाभाविक है। देखिए, अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम तैयारी करेंगे, लेकिन हमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, अगर हमें एक बेहतर एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम जो है डीमोटिवेट हो जाएंगे। हम फिर ये सोचने लगेंगे, हम ये रियलाइज़ करने लग जाते हैं उसके बाद कि यार हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें कामयाबी नसीब नहीं हो रहा, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें सक्सेस जो है नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपका तैयारी अच्छे से रहेगा, मेहनत अगर आपका अच्छे से रहेगा, तो डेफिनेटली आज अगर कामयाबी नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में आपको सक्सेस जो है, आने वाले समय में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगा। तो डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। सफलता क्या है? सफलता है स्ट्रगल है, संघर्ष है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पैसों की कीमत उन्हीं को समझ में आती है जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत करके 1 रुपया चाहे 100 रुपया भी कमाते हैं ना, उनको एहसास होता है कि मेहनत से पैसा किस तरीके से आता है। और जो सिर्फ पैसा उड़ाना जानते हैं, उसको पैसा का वैल्यू पता नहीं होता। और वही लोग क्या बोलते हैं पता है, पैसा तो हाथ का मैल होता है। तो भाई, हाथ को रगड़ ले, पैसा ले आना। जिनके पास खुद पैसा नहीं होता, वही लोग तुमसे बोलेंगे कि पैसा तो हाथ का मैल होता है। तो इस दुनिया में जो है पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, आपके माँ बाप के आप सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं, और सभी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपने माँ बाप के, अपने भाई बहनों के आप अच्छे से एजुकेशन कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई करवा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो बिल्कुल भी अपने आप को कमज़ोर समझने की गलती भूल मत करना। आप लड़की हो कोई बात नहीं, आपके माँ बाप, अगर बहुत से लोग होते हैं जिनके माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, वो लड़कियों को एक प्रेरणा स्रोत, उनको अपनी लड़कियों पर जो है प्राउड फील होता है। और काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को जो है अभी के डेट में भी ऐसी मानसिकता है कि 21वीं सदी में भी बहुत से गांव साइड जो हो चाहे शहर हो, दोनों एक ही बात है, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ, और एक चीज़ मैं आपको यह भी बोलना चाहता हूँ कि अभी के डेट में तो यार लड़कियाँ लड़कों से हर एक फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड की बात कर लें, लड़कों से कहीं ज़्यादा आगे जो है लड़कियाँ हैं। तो बिल्कुल भी लड़कियों को मत रोके कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप जो एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ऐसा उन्हें बिल्कुल भी मत बोलिए। आपको उन्हें पता है कि वो क्या कर सकते हैं। देखिए, एक लड़की अपने घर में खाना बनाती है, अपने माँ बाप की देखभाल करती है, सेवा करती है, इन सभी चीज़ करने के बाद लड़कियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं, बहुत कुछ सहती हैं, सभी चीज़ों के बावजूद वो मेहनत करते हैं और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में जो है क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि 10th और 12th में जो है लड़कियों का नाम बहुत ज़्यादा ऊँचा रहता है और बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज जो है टॉपर रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी अपने लड़कियों पर भरोसा यदि आपको नहीं है तो भरोसा करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके लड़की लड़कों से कहीं ज़्यादा आगे है। आपकी लड़की अपने आपके मान सम्मान के लिए मेहनत ज़रूर करेगी और एक दिन सफल कामयाब होकर जो है ज़रूर दिखाएगी। बस आप उनको जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाइए, जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो काबिल जो है बन पाएंगे। तो माँ बाप से भी मैं बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चों के सपोर्ट में ज़रूर आइए। आप क्या होता है पता है कि अगर समाज में कुछ अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उन्हें भी ये लगता है कि हमारी लड़की भी ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके लाइफ में होता है, क्या सभी के साथ ऐसा होता होना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बहुत अच्छी बात है लड़कियों को पढ़ाना, और लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे जा सकती हैं। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, कॉम्पिटिशन्स किसी और से नहीं है, कॉम्पिटिशन्स खुद से हैं, अपने आप से हैं। जितना ज़्यादा तुम्हें खुद पर भरोसा होगा, अपने आप पर भरोसा होगा, उतना ही आप अपने अंदर एक निखार ला पाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप जो है आपके अंदर जो है सक्सेस आपको जो है मिल पाएगा।
तो जितना हो सके तुम तैयारी करो, जितना हो सके तुम मेहनत करो। सब कुछ हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना हो सके तुम मेहनत करो, तैयारी करो, उतने ही ज़्यादा तुम्हें सक्सेस मिल पाएगा, उतने ही ज़्यादा तुम्हें कामयाबी नसीब हो पाएगा। सो प्लीज़ आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लीजिए। एंड वीडियोस को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में वीडियोस को शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर जो है आप सभी स्टूडेंट को नए नए वीडियोस, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, बस अपना ख्याल रखना, तैयारी करना। आज नहीं तो कल आपको जो है डेफिनेटली सक्सेस जो है मिल पाएगा। बस इस सक्सेस को पाने के लिए, इस कामयाबी को पाने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, फिर देखना है आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शोहरत मिल पाएगी, बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल पाएगा। और जो लोग आपसे जलते हैं उन्हें जलने दो, जलने वालों का कुछ नहीं होगा। मैं तो आपको यही बोलता हूँ, किसी से जलो मत, बराबरी करो, मेहनत करो, तभी आप जो आगे बढ़ पाओगे, तभी आपके सपने, आपके ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए, आपको ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हर वक्त आपको जो है पढ़ना होगा, हर वक्त जो आपको तैयारी करना होगा, तब जाकर कहीं आपके सपने, तब जाकर कहीं आपके ड्रीम जो है पूरे होंगे। मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, तब जाकर वो कामयाबी आपको जो है नसीब हो पाएगा। वरना तुम मेहनत अगर नहीं करोगे तो कुछ भी सफलता जो है नहीं मिल पाएगा। जो कामयाबी आपको मिलने वाला भी रहेगा वो भी कामयाबी आपसे जो है छीन जाएगा। इसलिए तुम काम करो, नाम करो, और एक दिन तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ पाओगे और तुम्हें ज़िंदगी में सभी कामयाबी जो है मिल पाएगा। एंड वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन वीडियोस को शेयर नहीं करते। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा आप वीडियोस को शेयर करेंगे सक्सेस उतना ही मिल पाएगा, कामयाबी भी उतना ही मिल पाएगा। तो जितना हो सके तुम तैयारी करो, जितना ज़्यादा हो सके तुम मेहनत करो। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, मेहनत करोगे तो आप जो है सक्सेस हो पाएंगे। बिना मेहनत के किसी भी तरह से कामयाबी, किसी भी तरह से सक्सेस आपको जो है नहीं मिलने वाला। सब कुछ हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे काम के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज काम करोगे तो कल तुम्हें सफलता, कल तुम्हें शोहरत जो है अवश्य रूप से नसीब हो पाएगा। आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, एक ही बार आपको अच्छे से तैयारी करना है। सो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियोस को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। सो थैंक यू। ख्याल रखना, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की तैयारी करना। मैं तो आपको यही बोलना चाहता हूँ, आपका कॉम्पिटिशन्स आप खुद हैं, कोई और नहीं। खुद के रिकॉर्ड्स ब्रेक कीजिए और एक दिन खुद के रिकॉर्ड्स ब्रेक करते करते आप जो है सभी के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देंगे और आप कोई भी कहीं कितने भी आगे जा